हमारा जब कॉल का डेल्टा इन द मनी पहुंचेगा तो धीरे 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 हम वन के पास आएंगे। आउट ऑफ मनी से इन द मनी जब हम आएंगे तो डेल्टा बढ़ जाएगा, वैसे ही आउट ऑफ मनी से हम इन द मनी जब पुट में आएंगे तो हमारा पुट का जो है वो भी कम होने लगेगा। तो ये पुट हमें, नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली में। पिछले सेशन में हमने डेल्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी रही थी जो हम आज कवर करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो आज देखेंगे वो है डेल्टा ट्रैक्शन। डेल्टा ट्रैक्शन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों हमारे जो ऑप्शन की प्राइसिंग है वो इतनी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है, आउट द मनी ऑप्शंस इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं, वीकली ऑप्शंस क्यों बढ़ जाते हैं इतनी स्पीड में, ये सब आज हम देखेंगे डेल्टा ट्रैक्शन के थ्रू। डेल्टा ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस को प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं। हेज फंड्स, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं वो पोर्टफोलियो कैसे हेज करते हैं वो भी हम देखेंगे डेल्टा ट्रैक्शन के थ्रू ही दोस्तों वो सब होता है। और मैं एक तो सॉफ्टवेयर आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि आपको ये डेल्टा की कैलकुलेशन, जो डेल्टा बता देता है, थीटा, गामा, जो 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 ग्रीक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब ग्रीक्स आपको कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये एक वैसे तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम एडवांस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। फिलहाल आपके समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिएगा और एंड में वो जो सॉफ्टवेयर आएगा उसको आप जाके इंस्टॉल करिएगा और यूज करिएगा, वहां पर आपको सारे ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले नीचे लगे लाल बटन को टीप के लाइक करिए, थम्स अप दीजिए हमारे कंटेंट को, शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप सोचते हैं कि ये वर्थ शेयरिंग है, और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और देखते हैं डेल्टा अट्रैक्शन और देखते हैं कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करके हम ग्रीक्स की वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं। इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या है कि डेल्टा हमें बताएगा कि एक शेयर की एक्सपायरी, वो जो हमारा ऑप्शन है उसका इन द मनी एक्सपायरी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये जो स्ट्राइक का डेल्टा आप खरीदोगे, वो स्ट्राइक का डेल्टा अगर आपको बताएगा कि वो जो ऑप्शन आपने खरीदा है उसका इन द मनी एक्सपायर होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, उसका मतलब कितना फायदा है, हमें कितना फायदा हो सकता है इन द मनी। क्योंकि देखिए ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो हमेशा जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे वैसे वैसे ऑप्शन का डेल्टा बढ़ जाएगा। तो हमें ये बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने ऑप्शन खरीदा है वो इन द मनी एक्सपायर हो। तो डेल्टा टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्राइक ऑफ एन ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी एज इन द मनी ऑप्शन हैव हाई डेल्टा। तो एन ऑप्शन स्ट्राइक हैविंग एन ऑप्शन डेल्टा ऑफ 0.5 हैज अ 25% चांस ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी। तो देखिए कई बार क्या होते हैं कि हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीद लेते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस मतलब कि समझिए अगर अभी मारुति का प्राइस चल रहा है 7000, तो आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद ली, तो आपने खरीद के रखी है समझिए 7500 की या 7600 की ऑप्शन, तो आप इतना दूर वाला ऑप्शन खरीदोगे, जितना दूर वाला ऑप्शन खरीदोगे उतना कम उसका डेल्टा होगा। ठीक है, तो अब उतना कम उसका डेल्टा है, तो अब समझिए आपने 7600 का ऑप्शन खरीद लिया तो उसका डेल्टा 0.25 है। इसका मतलब इन द मनी एक्सपायर होने की चांसेस उस स्ट्राइक की ओनली 25% है, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी खरीदा है। तो प्रोबेबिलिटी बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इन द मनी ऑप्शन वाले, जो आपने स्ट्राइक का जो कॉल खरीदा है वो इन द मनी कितना परसेंटेज चेंज होगा वो हमें बताएगा डेल्टा। तो देखिए एक और एग्जांपल, मारुति 7000 पे ट्रेड कर रहा है, 7100 का कॉल जो है वो 0.5 है, सो ये 7100 का कॉल की प्रोबेबिलिटी है इन द मनी जाने का 50%, और ये जो 7100 का कॉल है वो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन द मनी जाने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका ऑप्शन प्राइस 0.50 है, तो इन द मनी जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे बेसी इसी का है, तो ये जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब देखिए समझिए 7000 अभी मारुति चल रहा है, जैसे मारुति का प्राइस 7100 होगा तो हमारा ये जो डेल्टा है, इस जो 7100 का कॉल है ये तुरंत इन द मनी हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है, तो इसका 50% प्रोबेबिलिटी है ये इन द मनी चले जाए और प्रॉफिटेबल क्विकली हो जाए।
वेरेस एक 7500 का सी आप देखोगे अगर ऑप्शन का, तो उसका डेल्टा है 0.19। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द मनी इज वेरी फार, इसका मतलब 19% प्रोबेबिलिटी है इसका इन द मनी होने का। तो एट एक्सपायरी देयर इज ओनली 19% चांस कि ये वाला जो 7500 का जो कॉल है वो इन द मनी हो जाए, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी का वो कम है। सिमिलरली अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट अगर गिर जाएगा, आपने 6500 का पुट खरीद लिया है, तो उसका डेल्टा है 0.12 माइनस 0.12, इसका मतलब सिर्फ 12% प्रोबेबिलिटी है कि मारुति यहां से 6500 पे आ जाए, या ओनली 19% प्रोबेबिलिटी है कि 7000 से मारुति 7500 पे चले जाए। तो ये जो डेल्टा होती है वो हमें एक स्टॉक की प्रोबेबिलिटी बता देती है कि कितना परसेंट चांस है उस स्ट्राइक का इन द मनी होने का, तो ये प्रोबेबिलिटी भी हमें डेल्टा बताती है। तो डेल्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए, इसके बिना हमारी जो ट्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट अधूरी रहती है। अब आते हैं डेल्टा अट्रैक्शन पे। देखिए, ये अगर आप समझ लेते हो कि डेल्टा अट्रैक्शन क्या चीज होती है, तो आपको ऑलमोस्ट डेल्टा पे पूरी मास्टरी हो जाएगी। देखिए, व्हेन द स्पॉट राइजेस द प्रीमियम ऑफ द कॉल राइजेस एज पर द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा, ये हम सब जानते हैं। अभी तक हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि जब स्पॉट प्राइस राइज होता है तो किसी कॉल या किसी पुट का वैल्यू या किसी ऑप्शन का वैल्यू उतना ही बढ़ता है गिरता है जितना उसका डेल्टा होता है। द डेल्टा ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्राइक ऑल्सो राइजेस विद द राइज इन द स्पॉट प्राइस, ये भी हम जानते हैं कि एक डेल्टा, एक पर्टिकुलर डेल्टा जो बढ़ता घटता है वो स्पॉट प्राइस बढ़ता घटता है उसके बाद उसके साथ चलता है। तो अभी इस चीज को समझिएगा, एज द स्पॉट प्राइस राइजेस द स्पीड ऑफ राइज इन द कॉल ऑल्सो राइजेस, ठीक है, एज द स्पॉट प्राइस राइजेस द स्पीड ऑफ द राइज ऑफ कॉल ऑल्सो राइजेस एंड द स्पीड ऑफ फॉल इन द पुट ऑल्सो राइजेस। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ता है हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ता है, जितना उसका डेल्टा होता है। हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है। तो अब जैसे जैसे स्पॉट और बढ़ेगा हमारे ऑप्शन का प्राइस का डेल्टा भी बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी हमारे ऑप्शंस के बढ़ने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कभी इन द मनी हो जाए तो कैसे एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे स्पॉट बढ़ता है हमारे ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है जितना उसका डेल्टा होता है, लेकिन जैसे जैसे स्पॉट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे ऑप्शन का डेल्टा भी बढ़ेगा और हमारे ऑप्शन के स्पीड बढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को कहते हैं डेल्टा ट्रैक्शन। तो यहां देखिए, यहां आपको समझ में आ जाएगा, 6800 का स्पॉट है, आपने 7100 का कॉल समझिए खरीदा है और 7100 का कॉल जो है उसका डेल्टा है 0.2, 7100 का डेल्टा है 0.2। यहां पर देखिएगा 6800 का अभी स्पॉट में मार्केट में स्पॉट चल रहा है 6800, आपने 7100 का कॉल खरीदा उसका डेल्टा है 0.2, मार्केट का स्पॉट बढ़ गया 6900 हो गया, 100 पॉइंट बढ़ गया, आपका ऑप्शन का प्राइस तो बड़ा होगा लेकिन साथ में देखिए आपका डेल्टा भी कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है 0.32। अब यहां पर बढ़ के 7000 आ गया मार्केट और आपके 7100 का स्ट्राइक का डेल्टा देखिए 0.42 बढ़ गया। तो देखिए, जैसे जैसे स्पॉट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ रही है और आपके ऑप्शन का जो आपने कॉल खरीदा है उसके बढ़ने की स्पीड भी बढ़ रही है। अब देखिए, 7100 अभी आउट ऑफ द मनी था, ये धीरे धीरे इन द मनी आ गया, अभी एट द मनी आ गया। देखिए, 7100 स्पॉट हो गया, अपने पास 7100 का स्ट्राइक का कॉल है,
इसका डेल्टा है 0.5, डेल्टा भी बढ़ रहा है, 7200 का स्पॉट हुआ। अब ये जो है स्ट्राइक, ये इन द मनी हो गया, अब ये और स्पीड में बढ़ेगा, देखिए 0.58 हो गया, जब स्पॉट 7300 हुआ इसका डेल्टा 0.68 हो गया, जब स्पॉट 7400 हुआ इसका डेल्टा 0.8 हो गया, जब स्पॉट 7500 हुआ इसका डेल्टा 0.95 हो गया, इसका मतलब ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोजर टू 1। तो देखिए जैसे जैसे स्पॉट बढ़ता है वैसे वैसे आपके ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ता है और उसकी स्पीड भी बढ़ती है और साथ साथ में डेल्टा भी बढ़ता है। तो इसीलिए ऑप्शंस में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं, इसी कारण मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से इसे पढ़िए, ध्यान से समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आउट ऑफ द मनी कॉल्स खरीदते हैं तो अचानक में लॉटरी की तरह वो क्यों बढ़ जाते हैं? वीकली ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कोई कोई बंदे एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में एक कुछ अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करते हैं कई बार, तो वो यही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे स्पॉट बढ़ेगा डेल्टा की बढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी, और ये डेल्टा क्योंकि बढ़ जाएगा तो आपके ऑप्शन का प्राइसिंग भी और स्पीड में बढ़ेगा। तो अगर 6800 जब कोई स्पॉट था किसी स्टॉक का, आपने 7100 का कॉल खरीदा, जब उसका डेल्टा ओनली 0.2% था, लेकिन जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ा वैसे वैसे आपकी ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ी और आपका डेल्टा भी बढ़ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन का प्राइस जो बढ़ेगा वो और स्पीड में बढ़ेगा, उसका रेट ऑफ चेंज और स्पीड में होगा क्योंकि उसका डेल्टा और स्पीड में है। वैसे देखिए पुट, अगर आपने पुट खरीदा होता तो क्या होता, ऑप्शन का प्राइस जैसे जैसे स्पॉट बढ़ता वैसे वैसे आपका पुट भी गिरता, लेकिन जैसे जैसे ऑप्शन का स्पॉट बढ़ते रहता, जैसे जैसे वो स्पॉट या अंडरलाइन बढ़ते रहता, आपका पुट और तेजी से गिरता। तो देखिए जब 7100 का स्ट्राइक आपने खरीदा, जब 7100 का जब स्पॉट 6800 में थी तो आपने 7100 का ऑप्शन का पुट खरीद रखा था, उसका डेल्टा था 0.8, लेकिन जैसे 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 वो स्पॉट बढ़ने लग गया, गिरा नहीं, अगर ये गिरता तो आपको बहुत फायदा होता, लेकिन गिरा नहीं, ये बढ़ने लग गया ऑप्शन, जैसे जैसे वो स्टॉक का प्राइस बढ़ने लग गया आपकी पुट की प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गई, और देखिए स्पीड में कम हो रही है, एक सिंगल सिमिलर रेट नहीं फॉलो कर रही है, स्पीड में कम हो रही है, 0.8 से 0.68, 0.68 से 0.5 और तेजी से गिर रही है, 0.48, 0.42, 0.32। तो उसी तरह से यहां पर जो कॉल का डेल्टा है वो और तेजी से बढ़ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रैक्शन है। तो जैसे जैसे स्पॉट बढ़ता है वो आपके ऑप्शन के प्राइस को भी बढ़ा देगा, साथ में डेल्टा को भी बढ़ा देगा। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो एक अलग स्पीड में बढ़ता है, एक सिमिलर स्पीड में नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 6900 के बाद 6000 हुआ तो 0.2 डेल्टा था तो अगली बार 0.2 ही बढ़ेगा, नहीं, जब स्पॉट आगे बढ़ेगा तो ये डेल्टा 0.32 के स्पीड से बढ़ना शुरू होगा। जब ये 7000 से 7100 जाएगा तो आपका डेल्टा जो पॉइंट आपने जो आपका यहाँ पर 0.2 डेल्टा था अब वो 0.5 डेल्टा हो गया है। तो अब यहां से अगर स्पॉट बढ़ेगी तो आपका ऑप्शन का प्राइस और स्पीड में बढ़ना शुरू होगा क्योंकि इसका डेल्टा बढ़ रहा है और स्पॉट जो है डेल्टा को बढ़ा रहा है। इसे बोलते हैं डेल्टा ट्रैक्शन। और देखिए जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, कॉल और पुट की जो डेल्टा होती है अगर आप इनको जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आपको मिलेगा, अगर आप साइन इग्नोर कर दे तो 1 के आसपास मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है दोस्तों डेल्टा ट्रैक्शन। देखिए ये एक चार्ट से मैं आपको दिखा रहा हूं, आउट ऑफ द मनी, देखिए यहां पर आउट ऑफ द मनी कॉल का डेल्टा कब होता है, और जैसे जैसे देखिए स्पॉट बढ़ रही है और जैसे जैसे ऑप्शन जो है एट द मनी आ रहा है उसका डेल्टा भी बढ़ रहा है। स्पॉट का प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में डेल्टा भी बढ़ रहा है, डेल्टा के स्पीड भी बढ़ रहा है। तो यहां पर आपके ऑप्शन का जो प्राइसिंग होता है वो और मल्टीफोल्ड और मल्टी स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वैसे देखिए पुट का प्राइस भी गिर रहा है, जैसे जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो when call delta will be near point call delta, जब 0.5 के पास रहेगा तब हम at the money होते हैं, जब call delta 0 के पास रहेगा हम out of money होंगे, जब call delta 1 के पास रहेगा हम in the money होंगे. और when the spot rises, OTM of the call delta turns ATM, that means delta near 0 will approach at 0.5, at the same time in the money put will turns at the money. इसका मतलब देखिए किस लिए बढ़ता है, क्योंकि अगर हम out of the money delta, out of the money call खरीदते हैं तो उसका delta 0.0 के पास रहता है, लेकिन जैसे जैसे spot बढ़ता है और वो at the money आने लगता है तो उसका delta भी धीरे 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 0.5 के पास आने लगता है, और उसके बाद जैसे वो इन द मनी आने लगता है तो उसका डेल्टा भी 0.11 के पास आने लगता है. तो जैसे जैसे स्पॉट बढ़ता है हमारा ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारा डेल्टा भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ पुट का डेल्टा भी बढ़ने लग जाता है. इसका मतलब बढ़ने लग जाता है मतलब कि पुट का डेल्टा भी 0.5 के पास अप्रोच करने लग जाता है. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. When the spot rises, ATMCE turns into ITMCE. That means delta near 0.5 approach near 1. At the same time, ATMP turns OTMP. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम कुछ नहीं. जब आपने आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा है और स्पॉट बढ़ रहा है, आउट ऑफ द मनी जैसे जैसे आपका कॉल एट द मनी आएगा उसका डेल्टा भी बढ़ेगा, ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा, डेल्टा भी बढ़ेगा. जैसे जैसे आपका जो कॉल है वो इन द मनी आएगा, वो वन के पास जाएगा, ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा और डेल्टा भी बढ़ेगा. इसे डेल्टा ट्रैक्शन बोला जाता है दोस्तों. मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, आज के दिन में 99.99% जो बंदे आपको ऑप्शन सिखा रहे हैं उनको ये नहीं पता है. क्यों होता है ये नहीं पता है. अब आपको पता हो गया कि आउट द मनी ऑप्शन जब इन द मनी होता है तो इतना फायदा अचानक में क्यों हो जाता है, यह आज आपको क्लियर हो गया. और यह क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका पूरा रीजन आपको पता होना चाहिए. और जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप जाके किसी भी अपने ऑप्शन कोच से पूछ लीजिए, अगर वो आपको उसका जवाब दे देगा तब तो वो जेन्युइन है, अगर नहीं दे पाया तो किक हिज एस. ये देखिए, वही चीज है, जैसे जैसे हमारा स्पॉट बढ़ रहा है हमारा कॉल का डेल्टा भी बढ़ रहा है. तो जीरो से, आउट ऑफ द मनी से इन द मनी जब हमारा स्पॉट पहुंचेगा, ये हमारा स्ट्राइक है, जब ये स्पॉट इन द मनी पहुंचेगा हमारा, जब कॉल का डेल्टा इन द मनी पहुंचेगा तो धीरे 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 हम वन के पास आएंगे. आउट ऑफ मनी से इन द मनी जब हम आएंगे तो डेल्टा बढ़ जाएगा, वैसे ही आउट ऑफ मनी से हम इन द मनी जब पुट में आएंगे तो हमारा पुट का जो है वो भी कम होने लगेगा. तो ये पुट हमें लॉस देगा, कॉल हमें फायदा देगा. पॉजिटिव डेल्टा हमें फायदा देगा, नेगेटिव डेल्टा हमें लॉस देगा, जैसे जैसे हम इन द मनी जाना शुरू करेंगे. ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल प्लॉट है, सब चीज आपको समझ में आएगी, आसान चीज है. जाके प्रैक्टिकली इसे देखिए. हम इसे समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि व्हेन कॉल इज आउट ऑफ द मनी, पुट इज इन द मनी. When call is at the money, put is also at the money. And when call is in the money, put is out of the money. इसका मतलब जब call का delta कम होता है तो put का delta बड़ा हुआ होता है. जब call का delta 0.5 होता है तो put का delta भी 0.5 के पास होता है. लेकिन जब call का delta 0.5 से ऊपर होता है, 1 के करीब होता है, तो put का delta 0 के करीब होता है. तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑप्शन का सॉफ्टवेयर है
मैं आपको बता दूंगा इस सॉफ्टवेयर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर फ्री रहता है। तो हम बात करते हैं कॉल पुट की। तो देखिए ये मारुति का 7000 का हम बात करते हैं, इसके हम कॉल्स को पहले देखते हैं। तो हम इसके कॉल्स को देख रहे हैं, इसका कॉल का डेल्टा देखिए एट द मनी मारुति जो अभी है 6950 पे लास्ट प्राइस मारुति का था, यहां देखिए। तो एट द मनी कौन सा हुआ, 7000 वाला पुट, 7000 वाला कॉल जो है वो एट द मनी है। अब वो देखिए वो जो कॉल है वो 0.5 के आसपास ट्रेड करेगा, ये देखिए यहां पर 0.6 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे, आउट ऑफ मनी जाते रहेंगे, वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होती रहेगी। ये देखिए 0.37, 0.28, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं 7300 का कॉल देखिए 7000, तो इसका मतलब क्या होता है, 7500 का कॉल अगर आप बाय करते हो तो इसका डेल्टा है 0.10। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने का ओनली 0.1% है, मतलब 0.1 मतलब 10% है। और देखिए जैसे जैसे आप इन द मनी जा रहे हैं, जैसे जैसे इन द मनी जा रहे हैं वहां, वैसे वैसे देखिए किस तरह से कॉल का जो डेल्टा है वो नियर वन चला जाता है। इसका मतलब कि अगर आप अभी 6700 का कॉल खरीद लोगे, या समझिए आप अभी 6100 का कॉल खरीद लोगे, इसका डेल्टा है 0.95। इसका मतलब अगर एक रुपया मारुति बढ़ेगा तो ये आपका ऑप्शन का प्राइस 0.95 पड़ेगा। इट इज सेम, इट इज सिमिलर एज यू हैव बॉट अ शेयर। ये ऑलमोस्ट आपने जिस तरह से समझिए ये एक शेयर खरीदने के बराबर ही आपने इसे वो कर लिया है, ये सिमिलर टू अ शेयर। वैसे अगर आप पुट लो, मैंने आपको कॉल का दिखाया था, मैं आपको पुट का दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर एट द मनी का देखिए जो 6950 है, तो एट द मनी अराउंड 6900 होगा, इसका वैल्यू देखिए 0.44 है। अब जैसे जैसे आप आउट द मनी जाओगे, आउट द मनी मतलब जैसे जैसे आप कम की तरफ जाओगे, इसका देखिए डेल्टा जो है वो कम होते जाएगा, और जैसे जैसे इन द मनी आओगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो 6100 या 6200 होने की प्रोबेबिलिटी ओनली 6% है। ये ऑप्शन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ऑप्शन एक्शन बोल के एक सॉफ्टवेयर है, आप यहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है ये सॉफ्टवेयर। optionaction.in है ये सॉफ्टवेयर, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, देखिए ये इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल तो आप इससे काम चला सकते हैं बिंदास। उसके बाद हम पेड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको दिखाएंगे कि अगर आपको अलग लेवल पर जाना है, जहां पर आपको पूरी पोर्टफोलियो डेल्टा कवर, पूरे पोर्टफोलियो की आपकी जो ग्रीक्स है वो कैलकुलेट करके मिल जाए, पूरी पोजीशन की ग्रीक्स कैलकुलेट करके मिल जाए, सब चीज मिल जाए, वो हम अलग से एक अलग पेड सॉफ्टवेयर आता है, हम उसको उसके बारे में आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप समझने के लिए इस चीज को पूरा यूज कर सकते हो। ये देखिए आपको पूरी ग्रीक्स दे देगा, यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ITM प्रोबेबिलिटी। देखिए मैंने आपको बोला ना कि ITM प्रोबेबिलिटी मतलब कि इस कॉल की इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देता है ITM प्रोबेबिलिटी। डेल्टा, गामा, वेगा, थेटा सब यहाँ पर है। बस यहाँ पर ये अगर आप इसे जब स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये टोटल पोर्टफोलियो ग्रीक भी आपको कैलकुलेट करके देगा, सब कुछ कैलकुलेट करके देगा। ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके आराम से यूज कर सकते हो। दोस्तों ये था डेल्टा ट्रैक्शन, अब तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है डेल्टा ट्रैक्शन को जानना और कैसे हमारे ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे स्पॉट का प्राइस बढ़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और मुझे ये जरूरी था, मैं समझता था कि ये जरूरी है आपको ये जानना कि ऑप्शन की प्राइसिंग बढ़ती है तो क्या कारण है, इस डेल्टा को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे, ये सब
बिना डेल्टा का कंसेप्ट क्लियर हुए मैं आपके साथ नहीं डिस्कस कर सक रहा था। तो अब हम लोगों ने डेल्टा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। आने वाले सेशंस में हम और ग्रीक्स को देखेंगे, हम वेगा को देखेंगे, हम थेटा को देखेंगे, हम गैमा को देखेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज, और जब हम स्ट्रैटेजीज शुरू करेंगे तब आपको इन ग्रीक्स का एप्लीकेशन पता चलेगा। दोस्तों सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर के बेस्ड पे ऑप्शंस नहीं ट्रेड किए जाते हैं, ऑप्शंस इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। जो भी आपको ये झांसा दे रहा है कि बिना ग्रीक्स को यूज करे ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हो, या बिना ओपन इंटरेस्ट के, या बिना इसके बिना डेटा के, जो ऑप्शन का डेटा है उसके बिना आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, वो एकदम गलत बोल रहा है। कभी भी ऐसे लोगों की बातें ना सुनिए, उनका होल एंड सोल मोटिव होता है आपके पैसों को लूटना। तो दोस्तों आगे मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, अपने टॉपिक से ऑफ नहीं होता हूँ। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटोगे दोस्तों उतना आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ ये, आप भी ये करो। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर कुछ नया करेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद।